आज हम बात करेंगे भूमि आंवला के बारे में, इसके फायदों के बारे में और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, भूमि आंवला आपके घरों के आसपास छोटी मोटी झाड़ियों के किनारे या नदी नालों के किनारे आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इसके फल भी आंवले के समान ही पर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये इसके पत्तों के आसपास आपको लाइन में दिखाई देगी, आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही काम का एक जड़ी बूटी है जो कि आपके बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, यह रोग रक्त शोधक के रूप में काम करता है। भूमि आंवला शरीर के विषैले चीज़ों को बाहर निकालता है और खून को साफ करता है। इससे शरीर का कर्मिनेटिव क्रिया होती है। आपको ये पीलिया से भी बचा सकता है। अगर आप इसका सेवन पहले से ही करते हैं तो आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये पीलिया से आपको बचा सकता है। दोस्तों, भूमि आंवला की ताज़ा जड़ पीलिया के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। पीलिया को ठीक करने के लिए इस जड़ी बूटी की जड़ को पीसकर दूध या किसी भी रस में मिलाकर पेस्ट बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको पीलिया से राहत मिलेगी, या फिर आप पहले से ही इसका सेवन करें तो आपको पीलिया कभी भी नहीं होगी। क्यूरेटिव गुण से भरपूर होता है फ्रेंड। भूमि आंवला त्वचा के इन्फेक्शन और सूजन का इलाज करता है। इसमें जहर बेअसर करने वाले गुण होते हैं। भूमि आंवला का पाउडर और चावल के पानी को मिलाकर उपयोग करने से ल्यूकोरिया के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की शिकायत हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना ल्यूकोरिया को ठीक कर सकते हैं। सांस संबंधी प्रॉब्लम भी अगर आपको हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि आंवला अस्थमा के लिए एक प्रभावी उपचार है। चीनी के सिरप के साथ भूमि आंवला का प्रयोग करके खांसी और हिचकी के लक्षणों से आराम पाने के लिए नाक के ड्रॉप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हीलिंग को बढ़ाता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के रस के साथ साथ इसके पाउडर का उपयोग घावों और फ्रैक्चर वाली हड्डियों को जल्दी से ठीक करने में मदद करती है। यह पेन किलर के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, कुचले हुए भूमि आंवला और सेंधा नमक को मिलाकर आँखों की दर्द से आराम पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग फेफड़े के इलाज के लिए भी किया जाता है। बुखार का इलाज भी इससे आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुराना अगर आपका बुखार है, बार बार अगर आपको बुखार आता रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है लोगों के लिए, जो आपके लिए संकट बन जाता है जीवन भर के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि आंवला का पाउडर को काली मिर्च के साथ लेने से यह ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में और मधुमेह से लड़ने की मदद करता है। पथरी में भी ये आपको बहुत ही मदद करता है उसे ठीक करने में। अगर आपको गॉल ब्लैडर है, यानी कि अगर आपको पित्त की नली में पथरी हो गई है या फिर गुर्दे की पथरी आपको सता रही है, तो ये बहुत ही प्रभावी रूप से भूमि आंवला द्वारा ही इलाज किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अगर आपको शिकायत है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। भूमि आंवला रक्तचाप में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है और रक्तचाप का कंट्रोल कर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके आपको स्वस्थ बनाए रखता है। मोतियाबिंद का भी इलाज इसी से किया जा सकता है। भूमि आंवला मोतियाबिंद की शुरुआत के लिए एक प्रभावी उपचार है। आप इस जड़ी बूटी को घी और तेल के साथ अगर उपयोग करते हैं, रात को खाने के बाद त्रिफला चूर्ण के साथ इसे लेने से मोतियाबिंद का इलाज हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल एचआईवी से लड़ने से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को एचआईवी की शिकायत है और उसका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भूमि आंवला जड़ी बूटी ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस के फैलने को रोकता है। वायरल रोगों को ठीक करने में भी यह मदद करता है। अगर आपको बार बार वायरल फीवर हो जाए या फिर कोई भी वायरल डिजीज़ होने की चांसेस बनी रहती है या फिर हो जाती है, तो आप भूमि आंवला के एंटीवायरल गुण, एंटी हेपेटाइटिस या फिर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन क्रिया में भी ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। भूमि आंवला पाचन को तेज करता है और पुरानी पेचिस का इलाज भी करता है। मासिक धर्म संबंधी विकार का भी इलाज करता है। जिन महिलाओं को
मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। भूमि आंवला के हर्बल निर्माण को मेनोरेजिया या भारी मासिक धर्म के होने वाले रक्तस्राव को इलाज किया जा सकता है। यौन संचारित इन्फेक्शन का इलाज भी किया जा सकता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले यौन संचारित इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया को भी भूमि आंवला से इलाज किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, भूमि आंवला में एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एंटी कैंसर भी इसमें मौजूद होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और कम्युनिटी और ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों को ठीक करने की भरपूर क्षमता होती है। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।